दिया है, उनके चरणों में नमन नमन करता हूं। मातेश्वरी को, दादों से बाबू साहब को, मेरे से बड़े हैं उनको धोख, हम सबर और हम उम्र साथियों को जय माता जी की। मेरे नौजवान साथियों, आज ये बात बाड़मेर की नहीं है, ये बात राजस्थान की नहीं है, यहाँ की राजनेताओं की नहीं है। आपको अच्छी तरह से याद होगा, आज गैस करेंसी पर झूठा मुकदमा लगाने की कोशिश की जा रही है। ये झूठा मुकदमा लगाने की कोशिश शुरुआत आनंद पाल के भी की गई, आपको ध्यान होगा। आनंद पाल को सबसे पहले झूठा मुकदमा में फंसा करके एक सीधे साधे पप्पू को गैंगस्टर बनाने का काम यहाँ की जाट राजनीति ने, जो जाट नेता है उन्हें किया। मेरे नौजवान साथियों, मुझे कहते हुए कोई परहेज नहीं है, यहाँ 35 कौम के लोग आज यहाँ विराजमान है। अगर वो अत्याचारी नहीं है, वो अत्याचार नहीं करते हैं, वो 35 कौम पर जुलम नहीं आते हैं, वो शासन और प्रशासन को अपनी मुट्ठी में रख करके इन 35 कौम को कुचलने का काम नहीं करते हैं, तो फिर ये 25,035 कौम के लोग आज यहाँ क्यों आए? है किसी के पास सवाल? ये 25,000 लोग सिर्फ 2 दिन के बुलावे पर हैं। परसों ही तय हुआ था कि 30 तारीख को बैठ करके हमें एक कमेटी गठित करनी है और इस लड़ाई को बेखूबी लड़ना है। 2 दिन के बुलावे पर ये ओवरफ्लो, बाहर भी खड़े हैं हजारों लोग, ग्राउंडों में खड़े हैं, छतों पर खड़े हैं। यहाँ इस प्रदेश के अंदर, इस भारत के अंदर चौथा स्तंभ एक खाली मीडिया बचा है। उन मीडिया वाले भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि जो ओरिजिनलिटी है वो लिखो आप, ये सरकार लोहे के चने चबने के लिए तैयार हो जाएगी। अगर मैं कहता हूँ समाज को और चेतन जी के परिवार को अगर न्याय नहीं मिलता है, तो 3 उपचुनाव है राजस्थान के अंदर, अजमेर, अलवर और माडलगढ़, परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे नौजवान साथियों, आज हर चोर चुलम की टक्कर में हम लोग लड़ रहे हैं, चाहे मासूम बच्चा, मासूम हमारा भाई 19 वर्षीय चतुर सिंह हो, उसको भी इसी एमपी के इशारे पर कुछ चमचा ने गोलियों से भून दिया था। याद होगा आपको, चतुर सिंह फर्जी इनकाउंटर, और इनकाउंटर करवाने वाला भी कौन था? उसी जाति का एसपी, उसी के कहने पर उसने इनकाउंटर करवा दिया। सरकार क्या चाहती है हमसे? अरे बीजेपी का बीज हम लोगों ने बोया, बीजेपी को सींच करके पेड़ हमने बनाया, और आज जो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा, डॉक्टर जसवंत सिंह जाखड़, राजस्थान नहीं भारत नहीं, जो पूरे विश्व में बीजेपी का नेतृत्व करने वाले थे, उन जैसों को इन लोगों ने नहीं बख्शा, तो आप और मेरी तो कहानी कहां है? मेरे नौजवान साथियों, जो लोग यह कहते होंगे कि हम बीजेपी की खिलाफत कर रहे हैं, कांग्रेस के एजेंट बन गए, नहीं, कोई कांग्रेस के एजेंट नहीं, हम सच्ची बात है वो कहेंगे और रखेंगे। पर समाज पे 35 कौम पर कहीं भी अत्याचार होगा, शासन प्रशासन जब फेल हो जाएगा, हम शासन प्रशासन में विश्वास रखने वाले लोग हैं। जहां शासन प्रशासन विफल हो जाएगा, वहां कानून हम भी हाथ में लेना जानते हैं। आप लोग अभी कह रहे थे कि उस थानदार से थोड़ी सी रंजिश हो गई, उस एसपी से ऐसे हो गया। मैं जो पुलिस के भाई है, जो सरकार की और इस जनता की नौकरी करना चाहते हैं, उनको तो करता हूं सलूट, और जो यहाँ के राजनेताओं के टुकड़े पे पलते हैं उनको बोलता हूं कुत्ते पुलिस वाले। यहाँ के राजनेताओं के टुकड़ों पर पलते हैं उनको बोलता हूं मैं कुत्ता पुलिस।
लाखों गजरे काट दिया करते थे, हजारों कटा दिया करते थे।
धर्म के अपूर्वी रहो और चारण समाज तो वो है। पृथ्वीराज जी की चौहान साहब की बात याद होगी आपको, है ना यार? चारण समाज तो वो है। मेरे नौजवान साथियों, हम लोगों को एकजुटता के साथ शासन प्रशासन से हमें कोई डर भय नहीं। यहां के एमपी से फिर कह रहा हूं मैं, तेरे अंदर कोई गर्मी है या तेरे अंदर कोई ताकत है तो पुलिस को इस्तेमाल क्यों कर रहा है? खुले मैदान में आप बात चाहिए देते हैं। शाम को करनी मात की।